अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों से कहा है कि वो विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता के खिलाफ कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, पोम्पियो ने भरोसा दिलाया कि इस काम में अमेरिका उनको समर्थन देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दरअसल पोम्पियो ने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन के वार्षिक सम्मेलन में अपने समकक्षों से बात की। संगठन के 4 सदस्य फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई चीन के साथ लंबे समय से इस व्यस्ततम समुद्री रास्ते को लेकर क्षेत्रीय संघर्ष में उलझे हुए हैं, जिसके समूचे हिस्से पर बीजिंग अपना दावा करता है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भले ही अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर कोई दावा नहीं करता, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में क्षेत्र में बीजिंग के सैन्य निर्माण के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस सैन्य निर्माण में हवाई क्षेत्र बनाना और कोरल रीफ के ऊपर बनाए गए द्वीपों पर रडार और मिसाइल केंद्र स्थापित करना शामिल है। इसके बाद इसे लेकर भय उत्पन्न हो गया है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में नौवहन की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। पोम्पियो ने 10 राष्ट्रों वाले संगठन के शीर्ष राजनयिक से कहा कि मेरे विचार में आगे बढ़ते रहिए, बस बातें मत करिए, कार्रवाई करिए। हालांकि विदेश मंत्रालय की एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। पोम्पियो ने कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को हम पर और हमारे लोगों पर भारी नहीं पड़ने दें, आप में आत्मविश्वास होना चाहिए और अमेरिका आपकी दोस्त की तरह आपकी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ है। चीन आसियान चार्टर में निहित संप्रभुता, गुणवत्ता और क्षेत्रीय अखंडता के लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करता है। उन्होंने चीनी कंपनियों को अमेरिका द्वारा काली सूची में डाले जाने का जिक्र किया, जिन्होंने विवादित जल क्षेत्र में द्वीपों का निर्माण का काम किया है। अमेरिका ने नौवहन और विमानों से गश्त की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती की है। अमेरिका के इस बयान के मायने अगर निकाले तो ये भी है कि अमेरिका बस मौका चाहता है कि वो चीन के साथ किसी बहाने से भिड़ पाए। वो सीधा हमला करने से बच रहा है। ऐसे में चीन इस बात को समझता है कि चल रहे उसके सभी गतिरोधों पर उसे किस तरह निपटना है, क्योंकि अगर चीन ने किसी के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई शुरू की तो कई देशों को मौका मिल जाएगा और सब एक साथ चीन पर भारी पड़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।